देर में ही उनके शव का दान संस्कार किया जाएगा। श्रद्धांजलि यहाँ पर अभी भी देखो लोग जो है वो लगातार हत्यारों की गिरफ्तार करने की और गोली मारने की बात कर रहे हैं कि उनका एनकाउंटर किया जाए। लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर खड़े हैं। सुखदेव गोगा मेड़ी मॉडल, तीन पत्नी, तीन खुलासे। खड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी हत्याकांड ने राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में हड़कंप मचाया हुआ। पांच दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को 9 गोलियां मारी गईं, जबकि उनके साथ मौजूद नवीन शेखावत को 7 गोलियां लगी थी। लेकिन अब सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या पर उनकी तीन पत्नियां अलग अलग शक जताकर दावे कर रही हैं। सुखदेव की तीन पत्नियों में से 2 पत्नियां खुलकर मीडिया के सामने आ चुकी हैं, जबकि तीसरी पत्नी पर्दे के पीछे से मर्डर को लेकर कुछ अलग दावे कर रही हैं। पहले आप ये जान लीजिए सुखदेव की तीन पत्नियों के नाम क्या हैं और दूसरे और तीसरे नंबर की पत्नियों के नाम क्या हैं। दावों के मुताबिक सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की पहली पत्नी का नाम शकुंतला बेनीवाल है। शकुंतला बेनीवाल गोगा मेड़ी गांव में रहती है। सुखदेव की पहली पत्नी शकुंतला ने मीडिया से दूरी बना रखी है, तो मर्डर को लेकर कई दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। सुखदेव की दूसरी पत्नी शीला शेखावत हैं, जो भादरा में रहती हैं और सुखदेव की राजनीतिक विरासत पर अपना दावा ठोक चुकी हैं, जबकि सुखदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी है, जो सुखदेव गोगा मेड़ी के साथ जयपुर में उनके साथ रहती थी, जहां पर सुखदेव की हत्या हुई है। सुखदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी हत्या के पीछे किसी करीबी के हाथ होने पर शक जता रही है। 11 साल से मैं उनके साथ इसी मकान में हूँ और यही हम दोनों साथ में रहते थे। जितना विश्वास उनको मुझ पे था, जितना वक्त उन्होंने मेरे साथ गुजारा है, जितना मैं उनके बारे में जानती हूँ, कोई नहीं जानता। ये हर चीज का, हर बात का प्रूफ मेरे पास है। राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के बाद से ही पूरे राजस्थान और राजपूत समाज में आक्रोश है। वहीं खुद को गोगा मेड़ी की दूसरी पत्नी बताने वाली सपना सोनी एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं। सपना सोनी का दावा है कि जिस कमरे में जिस वक्त सुखदेव सिंह की हत्या की गई थी, उस वक्त किसी जमीन विवाद को लेकर सुखदेव फोन पर बात कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही सुखदेव मोबाइल पर बात करना शुरू करते हैं, शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी दनादन गोलियां सुखदेव और नवीन शेखावत पर चला देते हैं। जबकि जयपुर के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 3 शूटर सुखदेव सिंह को मारने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इनमें से एक शूटर जिसका नाम नवीन शेखावत था, जो क्रॉस फायरिंग में मारा गया। वहीं सपना का दावा है कि नवीन शेखावत 10 दिन पहले भी आया था। वो शूटर था या नहीं, लेकिन सपना के मुताबिक किसी करीबी ने ही सुखदेव की हत्या करवाई है। वहीं सुखदेव की दूसरी बीवी शीला शेखावत का साफ कहना है कि वो किसी नवीन शेखावत को नहीं जानती थी। आप नवीन शेखावत को लेकर सुखदेव की दूसरी और तीसरी दोनों पत्नियों के बयानों को गौर से सुनिए। तो यहाँ कैमरा है, उनकी सब सीडी मैंने बना के रख रखी है, मुझे सब पता था। कभी ना कभी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बताते रहते थे कि मेरे को हमेशा हमले की, ऐसे कुछ ना कुछ बताते रहते थे कि मुझे आज यहाँ से धमकी मिली है, मुझे मार सकते हैं, या आज यहाँ से धमकी मिल रही है मुझे, कभी मुझे कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा यही बात बोलते थे। एक बात और इन्होंने मुझे ये और बोला था कि मेरी लाश पे भी लोग राजनीति करेंगे। जो नवीन शेखावत जो लेकर गया था उन लोगों को, शूटरों को, क्या आप जानते हैं उसे? नहीं सर, मैं नहीं जानती। मैं जयपुर में लगभग 5-10 जने हैं जो रोजाना रूटीन में आते थे, उन्हीं को जानती थी, अदरवाइज नहीं जानती थी। ये नाम मेरे सामने तो पहली बार ही आया है। नहीं, हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। होने को तो आप ये बताओ ना, घर में घुस गए वो लोग, तो कुछ तो था ही, कोई ना कोई कड़ी जुड़ के तो वहां तक पहुंची है। ऐसे तो पहुंचने की उनकी हिम्मत भी नहीं थी। खुद को सुखदेव गोगा मेड़ी की पत्नी बता रही सपना सोनी का दावा है कि गोगा मेड़ी के जयपुर आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की वही मॉनिटरिंग करती थी। उसके पास तमाम वो रिकॉर्डिंग है जिसमें सुखदेव गोगा मेड़ी से
कौन कब जयपुर आवास पर मिला, किसने क्या धमकी दी। ऐसे में अब सपना सोनी पुलिस के लिए इस केस में जांच में अहम कड़ी साबित हो सकती है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दोनों पत्नियों की तस्वीरें साथ साथ देखिए। पहली तस्वीर में सुखदेव की दूसरी पत्नी शीला शेखावत है, जबकि दूसरी तस्वीर में सुखदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी है। सपना जहां सुखदेव के मर्डर में किसी करीबी का हाथ बता रही हैं, तो वहीं शीला का दावा है कि वो सुखदेव की तीसरी पत्नी को नहीं जानती है। हैरानी की बात तो यह है कि सुखदेव काफी वक्त से अपनी तीसरी पत्नी सपना सोनी के साथ जयपुर वाले घर में रह रहे थे, जहां 5 दिसंबर को उनकी हत्या हुई। तो फिर सुखदेव की दूसरी पत्नी शीला शेखावत ये क्यों कह रही हैं कि वो किसी सपना को नहीं जानती। वहां पर भी उनके घर में भी एक महिला है जिन्होंने पूरा ये बयान दिया था कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरा फुटेज वगैरह लगे हैं। आप जानते हैं वहां पर किसी को? नहीं सर, ऐसी तो कोई महिला मैंने तो नहीं सुनी और ना ही कोई थी। सपना जी को जानते हैं आप वहां पर? नहीं सर, मैं नहीं जानती। जिस दिन वो तीन बंदे आए थे हथियारे, उस दिन भी मैं करके आई थी, तो सुखदेव जी मुझे बोल के सीढ़ी से नीचे उतर गए, इधर आके बैठ गए। वो तो उनके जो हथियारे आए थे उनके पास वहाँ बैठ गए। मैं मेरे रूम में जाने से पहले मैं गई थी सीसीटीवी कैमरे देखने, चेक करने कि कौन आया है, क्योंकि मेरे को ऐसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने आपको बताया ना, मुझे सही नहीं लग रहा था। तो सुखदेव जी तो यहाँ जो है वो बैठे थे, मेरे पति, वो जो एक और आया था जिसकी डेथ हो गई थी, वो यहाँ बैठा था, वो दोनों यहाँ बैठे थे। तो जो शूटर थे वो दोनों यहाँ थे, जो एक साथ में आया था वो यहाँ था, नवीन शेखावत। हाँ, मैं नाम नहीं जानती। सपना सोनी का दावा है कि नवीन शेखावत 10 दिन पहले भी आया था, और उस दिन जब वो शूटरों के साथ पहुंचा था तो पहले फोन पर उसने सुखदेव गोगामेड़ी की किसी से बात करवाई, और फिर सुखदेव गोगामेड़ी जब अपना मैसेज चेक कर रहे थे तब शूटरों ने उसे गोलियों से भून दिया। अब सवाल ये है कि आखिर नवीन शेखावत ने सुखदेव गोगामेड़ी की किससे बात करवाई? क्या वो रोहित गोदारा था जिससे बात कराई? ये पुलिस जांच का विषय। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के वक्त अगर तीन पत्नियों की बात करें तो सिर्फ सपना सोनी ही मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने हत्या के बाद हथियारों को भागते हुए देखा था। सुखदेव की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा पर भी सुखदेव की पत्नियों के अलग अलग बयान हैं। शीला शेखावत रोहित गोदारा के बारे में कुछ नहीं जानने का दावा कर रही हैं, जबकि सुखदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी साफ कह रही हैं कि रोहित गोदारा के दावे पर उन्हें शक है। रोहित के अलावा कोई और करीबी हत्या में शामिल हो सकता है। काफी सारे गैंगस्टर, जैसे रोहित गोदारा ने अपनी जिम्मेदारी ली है, लगातार वो बयान दे रहा है कि उनके खिलाफ वो रहते थे और इसी वजह से उन्होंने इस पूरी कांड को अंजाम दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को इस बारे में पता भी नहीं है, और ना ही मैं रोहित भोहित जो भी है इनको नहीं जानती मैं। अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली है, वो खुद सामने आए हैं, लाइव बिल्कुल सामने आए हैं, तो हो भी सकता है। तो फेसबुक पोस्ट किया उन्होंने, पोस्ट से क्या पता सर कि वो अपने को क्या पता कि वो उनकी प्रोफाइल जो है वो खुद की है, क्या पता किसी और ने बना रखी हो। साजिश भी तो हो सकती है ना, कि एक चिंटी ने किसी ने मारा और अपने हाथी पे शक कर रहे हैं। हो जाता है सर ऐसा, कि अपना ही कोई निजी हो कि जिसने ये काम कर दिया, कि नाम उन पे ही आएगा। जो सीसीटीवी कैमरे है सिर्फ मैं ही चेक करती थी, हमेशा वो आने जाने वाले को सबको बोलते थे कि एक सपना ही है जो ऊपर बैठी है, जितने गार्ड मेरी सुरक्षा कर रहे हैं उतनी सुरक्षा वो भी मेरी कर रही है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इधर गैंगस्टर रोहित गोदारा की नई पोस्ट सामने आई है, जिसमें उसने अंदेशा जताया है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि इसी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक पोस्ट के जरिए दावा किया था कि उसने ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाई है। अब सवाल उठता है, क्या गैंगस्टर रोहित गोदारा को अपने एनकाउंटर की कोई खुफिया जानकारी मिली है, या फिर वो जानबूझकर ऐसे दावे कर रहा है। इधर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर अगर राजपूत समाज का खुला समर्थन किसी को मिल रहा है, तो वो हैं सुखदेव सिंह की दूसरी पत्नी शीला शेखावत, जो राजपूत समाज से आती हैं। दावा किया जा रहा है कि सपना सोनी और शकुंतला के गैर राजपूत होने और शीला के राजपूत होने से कर्णी सेना का एक गुट शीला को आगे कर रहा है। उसकी वजह यह है कि शीला राजपूत है, बाकी दोनों गैर राजपूत। इसीलिए अब शीला राजपूत ने 72 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन को दिया है कि दोनों हथियारों का एनकाउंटर करो और मुझे उनकी लाश दिखाओ। मेरे को तो 72 घंटे का टाइम दिया है सर, 72 घंटे के अंदर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मैंने मेरे कर्णी सैनिक पूरे अलर्ट पे रख रखे हैं, चाहे तो आप पता भी कर लेना, फिर जो होगा वो सरकार जाने,
और मेरे करनी सैनिक जाने, मेरे भाई जाने, जिनको मैंने राखी बांधी है वो भाई जाने कि अपनी बहन के साथ कैसे इंसाफ दिलाना है और कैसे क्या करना है। जयपुर में हुए सुखदेव सिंह मर्डर केस में नया ट्विस्ट सामने आया है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के बाद अब उनकी विरासत को लेकर विवाद शुरू हो गया है और इस विवाद की शुरुआत हुई है सुखदेव सिंह की पत्नी के बयान के बाद। सुखदेव सिंह की पत्नी शीला शेखावत ने कहा है कि वो अब राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कमान संभालेंगी। बिल्कुल संभालूंगी सर, मेरे पति ने मुझे, मैं जब शादी करवा के आई थी तो मैं 17-18 साल की थी, तो उस टाइम से लेकर आज तक मेरे पति ने मुझे तैयार किया है, मतलब खुद थे ना वैसे ही मेरा कलेजा भी उन्होंने बनाया है, तो मैं पीछे हटने वालों में से तो हूँ नहीं, इंसाफ तो मैं लेके ही रहूँगी। इसके लिए तो चाहे मुझे जमीन आसमान एक कर देना पड़े, मैं इंसाफ लूँगी। लेकिन विवाद अब सुखदेव सिंह की तीन पत्नियों के बीच है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सुखदेव सिंह ने तीन तीन शादियां की थी। फिलहाल ये साफ नहीं है कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की विरासत पर असली हकदार कौन होगा। अभी तक कम ही लोग ये जानते थे कि सुखदेव सिंह की तीन तीन पत्नियां हैं, लेकिन ये भी सच है कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे तब तक जयपुर हत्याकांड पूरे राजस्थान में कोहराम मचाता रहेगा।